ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक उस चीज से आप खुशी पाना ना चाहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, कहानी दो भाइयों की। एक भाई जो कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका है और एक दूसरा भाई जो कि नशेड़ी है, दिन रात शराब पिए रहता है, कभी ड्रग्स लिए रहता है, घर पर आता है अपनी बीवी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है और उसकी इन हरकतों से बीवी पूरे तरीके से परेशान हो चुकी है। एक दिन वो शराबी अपने घर शराब पीकर आता है और अपने बीवी को बहुत मारता है और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो अपने जगह से भी नहीं उठ सकता। उस दिन उसके बीवी का बहुत दिमाग खराब होता है और बीवी सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, उसकी जगह घर पर नहीं है, उसे उठाकर लाइए और जेल में बंद कर दीजिए। पुलिस जाती है, उसके पति शराबी पति को उठाकर लाती है और जेल में बंद कर देती है और वो बहुत नशे में होता है इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर उससे कोई बात नहीं कर पाते। लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब उस नशेड़ी का, उस आदमी का जब नशा उतरता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि तुम इस प्रकार से कैसे बन गए हो, तुम इतना नशा क्यों करते हो। तब वो आदमी कहता है, क्या बताऊं साहब, ये सब मेरे पिता के कारण हो रहा है। तो पुलिस कहते हैं, कैसे? तो वो कहता है कि मेरे पिता भी बहुत शराब पिया करते थे और मेरे मम्मा को बहुत मारा करते थे, हमें भी मारा करते थे और उसी कारण मैं भी कभी पढ़ नहीं पाया और मैं भी उसी रास्ते पर चलने लगा, मैंने ये सब अपने पिता से सीखा है। और तभी एक सूट बूट में एक व्यक्ति वहां आता है और वो व्यक्ति को देखते ही ये जेल वाला व्यक्ति बोलता है, भैया। तो पुलिस वाला समझ जाता है कि ये इसका भाई है। वो पुलिस वाला उसके भाई को बैठालता है और पूछता है कि तुम्हारा भाई तो नशेड़ी शराबी बन चुका है, तुम इतनी अच्छी जगह कैसे पहुंच गए। तो उसका भाई कहता है कि मैं इतने अच्छे जॉब पर, इतना सक्सेसफुल अपने पिता के कारण हुआ हूं। ये सुन पुलिस के वाले सकते में आ जाते हैं और अचंभित नजरों से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। तब वो कहता है कि मेरे पिता बहुत शराब पिया करते थे, मेरी मम्मी को मारा करते थे, हमको मारा करते थे और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जिंदगी में कुछ भी बनूंगा लेकिन अपने पिता समान नहीं बनूंगा, इस आदमी समान नहीं बनूंगा और तब से ही मैंने मेहनत करनी जारी रखी और आज मैं यहां हूं। दोस्तों, दो भाइयों की छोटी सी कहानी हमें यह बता रही है कि अगर जिंदगी में आखिरी दम तक जो चलने का साहस करता है वही अपने लाइफ में सफल होता है। आपके साथ सिचुएशन एक समान हो सकती है लेकिन उसी सिचुएशन में थॉट प्रोसेस हर आदमी की अलग अलग होती है, हर आदमी का बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। जो आदमी जितना पॉजिटिव होता है उतना ही वो आगे जाता है। कई बार लोग खराब परिस्थितियों में खराब डिसीजन लेके अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं लेकिन जो सफल लोग होते हैं, जो विनर्स लोग होते हैं, वो उस कठिन परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोचकर एक बेहतरीन रास्ते को खोज निकालते हैं और अपनी जिंदगी को वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने के लिए लोगों को बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।